एनपीआर और सीए को लेकर देश के कई हिस्सों में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर भागलपुर के कबीरपुर में भी आज देश संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर पप्पू यादव जी जो है जन अधिकार पार्टी के जो है संयोजक है वो आए हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पप्पू यादव जी आपको संविधान बचाओ देश बचाओ समिति का समर्थन क्यों करना पड़ा। 2022 में आपका एजेंडा है कि आप संविधान, आपके एमपी कहते हैं कि गांधी अंग्रेजों से मिलकर सत्याग्रह करते, आपके एमपी ने कहा है कि संविधान को हम शक्तिबंधन को समाप्त करेंगे, मुसलमान का आपको कहा मतलब है, आप तो मनुवादियों के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। 2022 में आप भारत को बिताना चाहते हैं। अब मेरे भाई आपको वतन में किसने इजाजत दी भाई? कौन सा अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपको कहा कि मेरे देश के जो लोग हैं वहाँ उसको भेज दो? किसने कहा? और कौन आर्टिकल 14 ने कहा हमको नागरिकता में कमी है? फिर धर्म के आधार पर मुसलमान क्यों? इसराइल ने कह दिया अबड़ी बारी कर, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, नफरत पैदा कर लो, जो करना हो अबड़ी नहीं तो कभी नहीं। और उसके बाद आपने शुरू कर दी। आप मुल्क क्या चाहता था? मुल्क चाहता था कि हम अपने मुल्क में अच्छे से रोजगार करें, हम जिए, हमारी बेटी सुरक्षित, हमारा मुल्क दुनिया में आगे बढ़े। आज यूएन का 25 कंट्री और 155 पार्टी हमारे मुल्क के इस तरीके के खिलाफ है। इसराइल को छोड़ के सर श्रीलंका क्यों नहीं, म्यांमार क्यों नहीं, तिब्बत क्यों नहीं, भूटान क्यों नहीं, नेपाल क्यों नहीं? सर सूबे के जो मुखिया हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार, वो कभी खुलकर इस बात को लेकर प्रत्येक चुप से सामने नहीं आए। कौन नेता? जेएनयू और जामिया पर हमला हुआ, नीतीश लालू का खानदान मुलायम सिंह ने कभी ट्वीट किया क्या? 2 महीना से मेरी माँ और बेटी सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, 28 बच्चों को गोली मारा गया है सीने में और यहाँ कमर के ऊपर, क्या ये हल्ला है? मेरा सवाल और उसके बाद जोगी कहता है कि नाथ का दफ्तर नहीं, इसको गोली मारना पड़ेगा। गृह मंत्री कहते हैं कि 1 इंच नहीं हटेंगे और उसके बाद कट्टा चलाते हो तुम देश की राजधानी में 7-7 दिन तक, 10 दिन तक, जहाँ आर्मी से लेके है भी और सब हो, वहाँ जामिया और शाहीन बाग पर कट्टा, पूरा देश का सिख किसान सब एक है। सर इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित ने कहा शाहीन बाग बेहतर है जो मोदी तुमसे। सर इस देश के संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, इस देश के वतन के इतिहास पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। यह लड़ाई आर पार की है, समाज के गरीब दलित और पिछड़ों को हम किसी भी कीमत पर जब तक नफरत नहीं मिटेगा ये आवाज नहीं दबेगी, जब तक जो भी का नफरत जो भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। सर मेरा सवाल है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार कभी भी एनपीआर या सीए को लेकर खुलकर प्रत्येक रूप से नहीं आए। सर बोलता है 370 में बाहर, तलाक में बाहर, इसमें वोट अमित शाह के मंच पर तुम जाते हो, ये नहीं होगा नरेंद्र मोदी तो फिर कानून क्यों बना? क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, सिर्फ झारखंड और दिल्ली के चुनाव के लिए? राहत अली फतेह खान ने कहा था जब बॉर्डर पर हलचल और गोली चले तो समझना भारत में चुनाव आ गया। अब यह हिंदू मुसलमान ट्रांसफर हो जाएगा आज से, हाथ हो गया है को देखे ना, जितना नफरत पैदा किया मोहर मार तो दिया दिल्ली, पहली बार भारत ने विकास पर मोहर मारा है। क्या कट्टा, क्या गाली, क्या बलात्कार, क्या गोली मारो, नीतीश कुमार यहाँ से कट्टा लेके गए थे देने, क्या अमित शाह जी को? सर पप्पू यादव जी आखिर कब तक ये जो कानून है इसके खिलाफ कब तक लड़ाई? जब तक पिछड़े और अत्यंत पिछड़ों को, जादवों को, पिछड़ों को इस मुसलमान दलितों के साथ में खड़ा ना कर दूं, गरीबों को, कुछ जात के सेकुलर को जो साथ है रामसेव अम्बेडकर भीम, तब तक ये अनवरत लड़ाई चलेगी। हमें इस वतन से मोहब्बत, हम कुर्बानी देने आए हैं अपने खून के हिफाजत के लिए, नफरत को मिटाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। और 2022 में जो एजेंडा है वन इलेक्शन चीन के तरह, और मनुवादियों को पीछे के दरवाजे से बैठाना,
इसके खिलाफ पप्पू यादव की जारी होगी लड़ाई। यह नीतीश कुमार की तरह चुनाव आते ही विशेष राज दे दो, इतना निर्लज्ज और मैंने नहीं देखा लोगों सर बिहार 15 साल से बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलाने की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक मिला नहीं। सर 30 सालों में इस बिहार को कहां पहुंचा दिया ये दोनों से क्यों नहीं पूछते हो घर में किसके डर से है? ये दोनों मिले हुए हैं, चुनाव के बाद कौन अमित शाह के नजदीक जाएंगे? ये दोनों का समझौता हो चुका है, इसलिए इस बिहार से भारत की आजादी की लड़ाई शुरुआत हम करें दिल्ली के बाद। तो हमारे साथ थे जाप के संयोजक पप्पू यादव जी, राजा नंबर पप्पू यादव जी, और आज ये यहाँ पर लगातार जो भागलपुर के कबीरपुर में लगातार 21वें दिन जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर आज इनका भागलपुर आना हुआ था। तो संविधान बचाओ देश बचाओ समिति और तमाम मुंतजिमा कमेटी कबीरपुर की जानिब से जब तक आए सरकार वापस नहीं ले लेती है इसका इन्होंने आज आवाज उठाई और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर लोगों का समर्थन भी किया और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा पप्पू यादव जी का यह साफ तौर से कहना था कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेती है सरकार तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस तरह से कि पप्पू यादव जी जो कि और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जो ये लड़ाई है कानून वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो देख सकते थे आज भागलपुर में थे कबीरपुर में जो है जब के संयोजक पप्पू यादव जी आप पहुंचे थे और आज इन्होंने यहाँ पर लगातार कितने इसको लेकर आज इन्होंने वापस नहीं ले लेती थी पूर्वी जो है जब के संयोजक पप्पू यादव जी आप पहुंचे थे और आज इन्होंने यहाँ पर लगातार इसको लेकर आज इन्होंने किस तरह से पप्पू यादव जो है